हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बैकनेक पैटर्न बनाएंगे, तो उसकी कटिंग भी देखेंगे और स्टिचिंग भी देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये कैनवस पेपर लिया है डबल फोल्ड में, तो इसकी लंबाई ली है, कैनवस पेपर की लंबाई है 11 इंच और इसकी चौड़ाई है 5 इंच। इस तरह से मैंने डबल फोल्ड में लिया है। तो ये जो बन साइड है, यहाँ से हम नेक की चौड़ाई लेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2.25 इंच लूँगी और इसकी लेंथ लूँगी यहाँ से 9 इंच, तो उसमें मैं आधा इंच मिलाऊंगी, 9.5 इंच। इसका बॉक्स बनाऊंगी यहाँ पे इस तरह से। अब इसे शेप देंगे हम, इसे बाहर की ओर से लेते हुए इस तरह शेप देंगे। देखिए इस तरह से। अब आधे इंच की दूरी पे दूसरा शेप देंगे। इस तरह से अब इसे कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसे कट कर लिया है। अब इसे हम एक फैब्रिक पे इसे प्रेस करेंगे आयरन से, नहीं तो फिर इसे स्टिच कर लेंगे डायरेक्ट। तो मैं इसे आयरन से प्रेस करूँगी। ये देखिए इस तरह से हमने इसे आयरन से एक फैब्रिक पे इसे चिपका दिया है। अब इसे इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो इससे पहले हम इस साइड का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेंगे। सेंटर से थोड़ा कट लगाएंगे ताकि इसे फोल्ड करने में आसानी हो। इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे और इसे फोल्ड करके उसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। अब इसे हम इस तरह से इसके ऊपर फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से, और इसकी यहाँ साइड से सिलाई लगाएंगे। तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक के बाद में उसे हम कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे और इसे सभी जगह से स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमने इसे सिलाई लगा दी और जो इस साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे इस तरह से। अब इसका सेंटर निकालेंगे। अब हम ये जो हमारा बैक पार्ट लेंगे, इसका भी हम सेंटर निकालेंगे और इसे सीधा करेंगे इस तरह से। सीधा करने के बाद अब हम ये जो हमने सेंटर निकाला है इसके ऊपर ये सेंटर को रखेंगे। इस तरह से बराबर रखने के बाद इसे पिनअप कर लेंगे। अभी हमने इसे पिनअप कर लिया है, अब इसकी सिलाई करेंगे। तो इसकी जो कैनवास की जो हमने ये साइड है इससे हम सिलाई लगाएंगे। सिलेक्ट करते हैं तो एक एक पिन साइड में निकाल लेंगे।
सारे पीने निकाल लेंगे। अब हमने इसे सिलाई लगा दी, तो इसे हम क्वार्टर इंच छोड़ के इसे कट कर लेंगे। अब इसे थोड़ा हम नॉचेस लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा, ध्यान रहे सिलाई ना कटे। अब इसे हम अंदर की ओर फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद अब फिनिशिंग के लिए हम इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे और इसे हम थोड़ा सा, ये जो अंदर वाला कपड़ा है, इसे हम इस तरह से पाइपिंग का लुक देंगे थोड़ा सा। ये देखिए, इस तरह से थोड़ा सा इस तरह से लेंगे। इस तरह लेने के बाद एक सिलाई लगाएंगे हम। ये देखिए, इस तरह से ये देखिए, इस तरह से हमने ये पाइपिंग की तरह इसे लुक दिया है। अब हम इस पे लेस लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से हमने ये लेस लगा दी। अब और एक बार लगाएंगे इस साइड से, थोड़ा सा गैप रख के। आप चाहे तो लगा भी सकते हैं, नहीं भी तो मैं इसे डबल लगाऊंगी।
ये देखिए इस तरह से ये मटका गला तैयार है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।